पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी के बीमार होने और वेंटिलेटर पर जाने की खबर के बाद उनके पैतृक गांव राघोपुर प्रखंड के हुलास गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग शारदा सिन्हा जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ये उनका पैतृक गांव है जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो पद्मश्री शारदा सिन्हा के स्वस्थ होने की यहाँ कामना की जा रही है। शारदा सिन्हा जी के बीमार होने की खबर के बाद उनके पैतृक गांव हुलास में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के लोग उनको बहुत चाहते हैं और यही कारण है कि यहाँ उनके जो भी परिजन हैं वो तमाम लोग उनसे भेंट करने के लिए निकल चुके हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो उनके पड़ोसी हैं, उनके चचेरे भाई मेरे साथ हैं, नृपेंद्र ठाकुर, हम उनसे कुछ जानकारी उनके बारे में लेना चाहेंगे। अभी तो वेंटिलेटर पर वो हैं, शाम में हम लोगों को मालूम हुआ स्थिति नाजुक है, वेंटिलेटर पर भी हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। लोग बहुत उदास हैं यहाँ, क्योंकि उनका बहुत हुलास से लगाव था और ज़्यादा कदाबु बीच बीच में भी आकर के सबसे मिलती जुलती थी। यहाँ आते थे पढ़ाने के लिए, उनको सिखाने के लिए, वो भी कभी कभी आ जाते थे यहाँ घर पर। हाँ, छठ को लेकर कहा जाता है। हाँ, छठ का, हाँ, शारदा, हाँ, 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 हर छठ घाटों पर, हाँ, हाँ, गुंजायमान, हाँ, 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 तो खास करके शादी विवाह, हाँ, साथ शादी विवाह और छठ के मौके पर उनका ही गीत छाया रहता है हर जगह। और लोगों को आज छठ का समय है यह सुन करके काफ़ी मायूसी हो रही है। और छठ में तो उनका खास करके पटना का प्रोग्राम रहता था। आदमी सभी यहाँ के जितने भी हुलास के हैं लोग, अपना परिवार से लेकर के ग्रामीण तक, सबको यही है कि किसी तरह से शारदा जी स्वस्थ हो जाएं और हम लोग खुशी खुशी छठ मना सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं राघोपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हुलास गांव में, जहाँ पर शारदा सिन्हा का ये पैतृक घर है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, यही वो पैतृक घर है, पुराना है जो अब टूट चुका है, उसके बाद नई संरचनाएं बनी है, लेकिन यही वो घर है जहाँ पर शारदा सिन्हा रहती थी। और इसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलग अलग बना, सभी दरवाजे आंगन को दुरुस्त किए गए, लेकिन जैसे ही लोगों को अब ये जानकारी मिल रही है कि शारदा सिन्हा जी काफ़ी अस्वस्थ है, वेंटिलेटर पर हैं, उसके बाद यहाँ के लोगों में स्पष्ट रूप से मायूसी झलक रही है। लोग जो हैं उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यही तस्वीर है जो उनका पुराना घर है, वो यही है, लकड़ी से बना, खपरेल से बना, जो अब टूट चुका है और यहाँ पर नई संरचना हो चुकी है। और यहाँ के लोगों के बारे में हम आपको कहेंगे कि यहाँ के लोग उनके स्वस्थ होने की कामना अभी भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो है इस आशा में हैं कि शारदा सिन्हा जी जल्द स्वस्थ होंगी। बहुत दुखी है गांव वाले, बहुत दुखी है जो शारदा दीदी का तबीयत खराब होने से कब क्या हो सकता है ये नहीं कह सकते हैं। बहुत दुखी है यहाँ का आदमी जी। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों में स्पष्ट रूप से मायूसी देखने को मिल रही है। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित स्वर कोकिला शारदा सिन्हा इन दिनों बीमार चल रही है, वेंटिलेटर पर भर्ती है, जिसको लेकर यहाँ के तमाम लोगों में मायूसी है। और तमाम लोग छठी मैया से यही कामना कर रहे हैं कि किसी तरह शारदा सिन्हा जी को स्वस्थ कर दिया जाए। सुभाष चंद्रा, जी मीडिया, सुपौल। लोक गायिका शारदा सिन्हा लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार की रात से शारदा सिन्हा को वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा से बातचीत की और शारदा सिन्हा की तबीयत की जानकारी ली। इसके अलावा देश भर में शारदा सिन्हा के लिए दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। सभी लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। पटना में लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा ठीक हो जाए। तो तस्वीरें देखिए आप, शारदा सिन्हा के लिए पटना में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है।
तमाम जगहों पर उनके प्रशंसक ये प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा जी जल्द ठीक हो जाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।